नरेंद्र मोदी देश के जो प्रधानमंत्री है चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो देश के सबसे बड़े नेता है और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नस्ताबूत करके सब निकाल को बाहर करना चाहिए। गांव और रहम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया, गरीबी और जरूरत मिटाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और हमारे देश को देश के लोकतंत्र पर संविधान पर खतरे हो रहे हैं, आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है। अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई। दिल्ली के बाद वहां महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर बारी है, बिहार पर बारी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया तो हम भी लगाता है, तुम क्या तोड़ोगे बिहार? हम लोग इसको एकजुट होकर के देश के लोकतंत्र को मजबूती लाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हमारे जो भाई हैं और आज तक देख रहे होंगे आप बात चल रही है कि सभी लोग को सभी लोगों को इकट्ठा करने के बजाय फिर भाई भाई में नफरत फैलाने के काम हो रहे हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे। मैं उदयकांत जी को काफी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।